काम किया, इस मंच से मुझे यह बात कहनी चाहिए, अगर आप आंदोलन नहीं करेंगे तो करेगा कौन? सांस्कृतिक कर्मी का तो यह मूल कर्तव्य है आंदोलन करना। इसलिए आंदोलन के लिए आपको सड़कों पर आने होगा, और अब तो आपको रत्नाकर सिंह जैसा एक मित्र मिल गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस व्यक्ति का पूरा दुरुपयोग करेंगे, जितना अधिक ऐड सके इनसे ऐड कीजिए, कहीं इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। गलत कह रहा हूं? अब आप आए हैं तो कुछ परिवर्तन तो आना ही चाहिए। दो तो हम लोगों ने लड़ाइयां जीती हैं, और जैसा रत्नाकर सिंह कह रहे थे, जीत तो हमें मिलनी ही है। कब तक ये जीत बचेगी हम लोगों से? बिल्ली की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? 2017 तो हमारा होगा ना, देख लिया जाएगा। इसलिए बहुत चिंता मत करिए, लेकिन 2017 के पहले हम सब लड़ सकें और जीत सकें, इस बात का प्रयास हम सबको करना चाहिए। माननीय केसी सेन जी शायद ही एक ऐसा व्यक्तित्व, इतनी समर्पण, इतनी निष्ठा और इतनी ईमानदारी का मैं उनके व्यक्तित्व को जरूरत से ज्यादा उजागर करके नहीं बता रहा हूं। जो यहां लड़ते हैं वही इस प्रेक्षागृह के लड़ रहे हैं, ये भी सही नहीं है। मैं राजेश जी से आग्रह करूंगा कि जो लोग इस मंच पर नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस मंच के साथ नहीं है, वो सब इस मंच पर हैं, सबकी अपनी अपनी जगहें हैं जहां रह रह करके वो इसी मंच के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन सबको मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके साथ रहूंगा, ये मेरा दायित्व तो है, धर्म है, मेरी संस्कृति है। मैं आप सबको आज के बहुत बेहतर आयोजन के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हुआ अपनी बातें समाप्त करता हूं। और इस बीच हम स्मृति जैन ने अपने मुख्य अतिथि महोदय को देना चाहेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल साहब, रत्नाकर सिंह के साथ साथ सभी रंगमंची कलाकार जिनके जरिए यहां पर